अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था पर शासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सभी जिम्मेदार लोगों की क्लास लेने के बाद एक टीम यहां पर अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए और उन पर अंकुश लगाने के लिए भेज दी है। KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील त्रिपाठी टीम समेत यहां पहुंच गए हैं। उनके आने का असर भी हुआ है। कल तक जो ब्रेकफास्ट, लंच और लंच डिनर के टाइम मिल रहा था, वह उसमें आज सुधार नजर आया। मैं डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और सदस्य हूँ KGMU कोरोना टास्क फोर्स का। सर, ये मीटिंग की गई थी जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो जो बड़े हॉटस्पॉट कोरोना के संबंध में निकल कर आए हैं, उसके संबंध में एक थर्ड पार्टी ऑडिट ये करने के लिए कि वहाँ पे क्या स्कोप है और सुधार होने का सुविधाओं का। तो पहले हमारी टीम को आगरा भेजा गया, हमारी टीम को कानपुर में भी भेजा गया, और ये तीसरी विजिट है हम लोग की मेरठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे तो पूरे देश दुनिया सब में कोरोना काल, संक्रमण काल चल रहा है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़्यादा है। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर होने के नाते हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, थोड़ा अनुभव भी हम लोगों को यहाँ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है शासन की तरफ से कि कौन कौन सी व्यवस्थाओं में और सुधार हो सकता है, जिससे मेरठ की आसपास की जनता और मेरठ के लोगों को कोरोना संक्रमण से उचित इलाज दिया जा सके, जल्दी से जल्दी जो रिकवरी है वो उनकी हो सके, और संक्रमण की गति को कैसे डाउन किया जा सकता है, जो सीवियर इन्फेक्शन्स हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, जो हमारा ट्रीटमेंट का लेवल है उसको रिव्यू करके और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या कोई और सुविधा है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारी टीम 2 दिन तक ये पूरा रिव्यू करेगी और अपनी जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से जो समाधान यहाँ 2 दिन के अंदर हो सकता है हम लोग 2 दिन के अंदर समाधान करेंगे। इसके अलावा जो हमारी रिकमेंडेशन होगी वो हम शासन को सबमिट करेंगे और शासन उस पर फिर कार्रवाई करेगा, जिससे कि मेरठ मेडिकल कॉलेज, मेरठ शहर, मेरठ जिला और मेरठ कमिश्नरी के जनता को, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके और कोरोना संक्रमण से कम लोग प्रभावित हों। सर, इसमें जी, कोरोना से कई वीडियो भी वायरल हो रही हैं। देखिए, कल से मैं जब से आया हूँ, मैं रास्ते में मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले हैं, पॉलिटिकल लोगों के मिले हैं, यहाँ के लोगों के मिले हैं, कई लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजे हैं, ऑडियो भेजे हैं, फोटोग्राफ्स भेजे हैं, आज के सुबह के मैंने अखबार पढ़े हैं, सब मैं वस्तुस्थिति से परिचित हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ कि मैं कोई यहाँ CBI इंस्पेक्टर या कोई ऐसा होके नहीं आया हूँ कि मुझे कमियाँ निकालनी, खामियाँ निकालनी हैं। हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमारी सोसाइटी, तो कम्युनिटी ऑफ फ्रेटर्निटी के हित में जो होगा वो हम लोग करेंगे। कल से मैंने किसी को मना नहीं किया। जिसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं 5 मिनट मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा 5 नहीं, आप 15 मिनट मिलिए। किसी ने कहा डॉक्टर साहब फ्री हो तो मैं आपको बात बताऊँ, मैंने कहा मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मेरे पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। यहाँ के DM ने, यहाँ के कमिश्नर ने, यहाँ के CMO साहब ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने, सबका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। और यहाँ पर भी अभी जितना हम लोगों ने काम किया है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आज मैंने सुबह पढ़ा था कि साहब वो खाना टाइम से नहीं मिल पा रहा है। अब आप देखिए 1:30 बजा है और अभी मैंने डॉक्टर जायसवाल साहब कहा, ये डॉक्टर जायसवाल साहब हैं जो भोजन की व्यवस्था देखते हैं, और मैंने अपने सामने इनसे कहा कि आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाइए जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप सोचिए 1 बजे तक आज सब रोगियों को खाना वितरित कर दिया गया है। बस आप समझ जाइए एक छोटे उदाहरण से, यही मेरी टीम का उद्देश्य है, यही मेरे टीम का काम है। 2 दिन के अंदर आपको काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और बाकी शासन के रिकमेंडेशन के बाद यहाँ इनकी कुछ ज़रूरतें भी हैं, ऐसा नहीं है वो मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती, हमको बताई हैं इन्होंने, उनको पूरा किया जाएगा, चाहे स्थानीय प्रशासन हो। मैं बताऊं कि DM और कमिश्नर दोनों ने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब आप जो रिकमेंड करेंगे हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी। तो शासन की तरफ से भी कोई कमी नहीं है, यहाँ जिला प्रशासन और DM और एडमिट कमिश्नर की मैडम, सुबह भी मेरी कमिश्नर मैडम से बात हुई, डायरेक्ट मुलाकात हुई, मीटिंग हुई,
और उन्होंने भी पूरा भरोसा दिया है कि जो भी डॉक्टर साहब आप बताएंगे वो पूरी किया जाएगा। मैं सूचनाएं एकत्रित कर रहा हूं। और एक बार और मैं बता दूं कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना है उसका डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है। तो मैं जिस जगह जाता हूँ एक मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेता हूँ। कल मैं 11 बजे यहाँ सब डॉक्टर्स का, कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर्स का, और शायद CMO भी अपने जिला अस्पताल से कुछ भेजेंगे ऐसा कमिश्नर मैडम ने कहा है, उन सबको मैं एक छोटा सा प्रशिक्षण दूंगा। वो प्रशिक्षण होगा A to Z कोरोना के बारे में, कोरोना के इतिहास के बारे में, कोरोना से इलाज के बारे में, कोरोना से बचाव के बारे में, कोरोना से मृत्यु हो गई मान लीजिए किसी के तो कैसे उसको डील करें, यहाँ तक कि शमशान घाट में क्रिमेशन में क्रिमेशन के समय कौन सी सावधानी है, इसके बारे में मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। वो मैं कल इन सबको ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग के साथ साथ प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं इनको दे कर जाऊँगा कि जिससे समय समय पर उसको रिवाइज करा जा सके। तो पूरी तरह से कोशिश है, प्रशिक्षित भी एक इसी टर्म में हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में, हालांकि मेरा काम नहीं है लेकिन ये एडिशनली मैं महसूस करता हूँ इसलिए ये प्रशिक्षण भी मैं दूंगा। अलबत्ता बीती रात एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वहाँ की अवस्था का जिक्र किया गया है। चाहे यह प्रक्रिया हो या फिर औपचारिकता पूर्ण करने में लगने वाला समय, यह थोड़ा अधिक लग रहा है, जिस कारण रात को जिस मरीज की डेथ हुई थी आज दोपहर बाद उसका शव उठ पाया। देखिए यह वीडियो। जय हिंद जय भारत। मैं बहुत परेशान हूँ, मेडिकल से मेरा इलाज चल रहा था, तवज्जो नहीं दी गई कुछ भी। 6 तारीख में आया, उसके बाद मुझे दवाई दे के वापस कर दिया। उसके बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई तो बड़े भाई ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, तो रिकॉर्ड में भी होगा, फ़ोन नंबर था 84 45 22 45 01। यहाँ से एम्बुलेंस नहीं गई। उसके बाद मुझे जब ज़्यादा दिक्कत हुई मैंने बाहर से टेस्ट कराया। उसके बाद मैं फिर दोबारा भर्ती होने के लिए आया, दोबारा भर्ती नहीं कराई इन्होंने, वापस कर दिया मुझे दवाई दे के। मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर मुझे ये कल उठा करके ले करके आए हैं, और कल पहले खरगोदा ले गए, वहाँ से फिर वापस कर दिया, फिर मुझे यहाँ मेडिकल में ले गया है। 3-4 घंटे मुझे वहीं गेट पे पड़ा रहा, मैं किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। धूप में कैसे कैसे करके मैं ऊपर चढ़ा, 1-1.5 घंटे में ऊपर चढ़ गया, 1/2 घंटे बैठ बैठ के लेट के। उसके बाद मैं वहाँ पड़ा रहा। उसके बाद 3-4 बजे के करीब इन्होंने जो है अंदर लिया मुझे। उसके बाद से अब तक जो है कोई किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, 2 गोली दी हैं बस, अब तक ऑक्सीजन लगा दिया, कोई पूछने नहीं आ रहा, सब परेशान है। और गंदगी बहुत ज़्यादा है, ये पड़ोस में एक डेथ और पड़ी हुई है, ये रही देख लीजिए, अभी बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती कह करके जो है इन पे चादर डलवाई है, इन्हें यहाँ से उठा नहीं रहे हैं। इनका नाम कदम सिंह है, PT नगर के रहने वाले हैं ये, और यहाँ जितने भी और मरीज़ हैं सब परेशान हैं, किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, दूर दूर से जो है आते हैं, दवाई दूर से फेंक के चले जाते हैं। एक हमारे बुजुर्ग इधर भी बैठे हुए, अभी देख लीजिए, सुन लीजिए मेरी, हमारे जितने मरीज हैं सबका जो है एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी जिला अधिकारी हैं, प्रशासन है, DM है, CM है, SHO है, सबसे हमारी दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारी मदद करें, बहुत परेशान हूँ, कोई हमें देखने वाला नहीं, आप प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कि आप हमारी मदद करें, हमारा सही से ट्रीटमेंट चलाएं, इलाज कराएं। उधर मेरठ में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, 14 नए केसों के साथ यह संख्या बढ़कर 244 हो गई है, जबकि 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।